नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होता है, वैन जो होता है, सामान वान ढोने वाला, उस रिक्शा के बारे में आज के वीडियो में हम लोगों को बताने जा रहे हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रिक है और बैटरी से चलने वाला तीन पहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा है। इसमें सारे डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे एक करके, और इसका तीनों चक्का जो है नॉर्मल इलेक्ट्रिक जो नॉर्मल रिक्शा का होता है उसी में लगाया गया है, और एक रिक्शा में जो मोटरसाइकिल का चक्का होता है उसमें लगाया गया है। तो दोनों रिक्शा आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अगर कोई दोस्त मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और घंटी का जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये इलेक्ट्रिक रिक्शा कैसे बना हुआ है। तो ये रहे वो इलेक्ट्रिक रिक्शा, ये बिल्कुल बन के कम्प्लीट तैयार है। तो ये हेडलाइट इसका है रात को चलने के लिए, हॉर्न लगा हुआ है, एक मीटर लगा हुआ है जो मीटर आता है चाबी ऑन ऑफ करने के लिए। ये थ्रोटल हो गया, हॉर्न का बटन है इसके अंदर, और रिवर्स फॉरवर्ड दोनों बटन इसमें लगा हुआ है। और इसका फ्रेम देखिए कितना मजबूत बनाया गया है। नॉर्मल रिक्शा में दूसरा तरह का फ्रेम रहता है, और इसका पैर वाला ब्रेक है, ये मोटर लगा हुआ है 750 वाट का। पीछे एक्सेल के साथ जो स्पोकेट आता है उसको सीधा करके लगाया गया। ये कन्वर्टर है डीसी, 48 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए। और ये रहा इसका कंट्रोलर और कनेक्शन, इस तरह का सॉकेट आता है इसको कनेक्शन करने के लिए। और ये 750 वाट का कंट्रोलर है, और पीछे देख रहे हैं बॉक्स के साथ यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। और ये पीछे का चक्का है, और नॉर्मल रिक्शा में जो तिल्ली आता है उससे काफ़ी मोटा इसमें तिल्ली लगता है, क्योंकि ज़्यादा लोड कैरी कर सके इसलिए। और पीछे वाला ये रखा गया है, इंडिकेटर लगा है पीछे, ये ब्रेक पुली और पैडल सिस्टम, पैडल चलाने के लिए एक रखा गया है स्पॉकेट। दोनों तरफ देख रहे हैं इसका इंडिकेटर लगा है, रात को जलता है ये इंडिकेटर। और इसका बॉडी है पैडल वाला, पैडल चलाने के लिए रखा गया है। तो काफ़ी अच्छे मॉडल में इसको बनाया गया है। जो नॉर्मल रिक्शा का चक्का होता है ये लेने से थोड़ा सस्ता पड़ता है, और मोटरसाइकिल के चक्का में एक बनता है तो वो वाला लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल का चक्का लगता है उसमें, ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। और इसको डेंटिंग पेंटिंग सब कर दिया गया है ताकि जंग ना लगे इसमें। तो बहुत ही खूबसूरत मॉडल इसको बनाया गया है। किसी दोस्तों को इस तरह का रिक्शा मंगवानी होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। कहीं भी होंगे ऑल इंडिया तो आप लोगों को जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेज दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये वाला तैयार हुआ है। अब दूसरा आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए ये वाला, ये तीनों चक्का जो इसका मोटरसाइकिल लगा चक्का लगा हुआ है, शॉकर लगा हुआ है, ब्रेक लगा है आगे, और पीछे भी ब्रेक लगा हुआ है, देख सकते हैं मोटरसाइकिल में शॉकर रहता है, इसमें भी शॉकर लगा हुआ है। डबल हॉर्न लगाया गया है, डबल हेडलाइट लगाया गया है, एक मेन हेडलाइट लगाया गया है, ये ऑटो कटअप जो ब्रेक होता है वो लगाया गया, बैक ग्लास लगाया गया है, 3-स्पीड मोड है इसमें, हॉर्न के लिए ये बटन है, इंडिकेटर के लिए बटन है, ये चाबी से ऑन ऑफ होता है, देखिए दोनों तरफ इसका बैक ग्लास लगाया गया है, ये रिवर्स फॉरवर्ड का बटन भी है। और इसका फ्रेम भी काफ़ी मजबूत है। सीट इसमें देखिए, सीट बहुत अच्छा इसको दिया गया है, सीट जो शॉकर वाला होता है वो लगाया गया है,
ताकि जार्किंग आपको बिल्कुल ही मालूम ना चले। और इसके बॉडी के चारों तरफ से लोहा का लगाया गया है, लोहा का पाती। यहाँ देखिए पीछे वाला चक्का, मोटरसाइकिल का चक्का लगाया है। इसमें भी 48 वोल्ट 500 वाट 750 वाट का मोटर लगता है। इसमें 750 वाट का लगाया है, 500 वाट का भी चलता है। पीछे देखिए इस तरह का लगाया गया है इसको। ये मोटर लगाया गया है, ये ब्रेक पुली है, पैर वाला ब्रेक, और ये इंडिकेटर इस तरह का लगा हुआ है इस रिक्शा में। और ये इसका ब्लॉक है जो बैरिंग इसके अंदर रहता है चक्का के साथ, बड़ा वाला जो बैरिंग आता है। और ये मोटर का काटा जो लगाता है मोटा वाला चेन से, ये लगा हुआ है सॉकेट के साथ। और ये इसका कंट्रोलर लगा हुआ है ब्लैक कलर का, FIR का कंट्रोलर है, और FIR का मोटर है ये 550 वाट का इसमें लगा है। इस और ऊपर में इसका एल्युमिनियम का शीट रखा गया ताकि पानी वानी गिरे नहीं नीचे। तो काफ़ी मजबूत इस रिक्शा को बनाया गया है, कम से कम 6 से 7 क्विंटल लोड अब 40 की स्पीड में चला सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के बने रहिए। अब मिलते हैं एक नए